नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे चैनल पे। हम आज बात करने वाले हैं फ्रेश टेक न्यूज के बारे में। और दोस्तों, आपको इस वीडियो में मिलने वाला है पेटीएम वाउचर, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, आपको लास्ट में मिलेगा पेटीएम वाउचर जीतने का प्रोसीजर। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली न्यूज ये निकल के आती है कि अमिताभ बच्चन जी की आवाज हमें सुनने को मिलेगी एलेक्सा में। जैसे कि हम एलेक्सा यूज करते हैं तो उसमें एक कंप्यूटर वॉइस उसके अंदर हमें सुनने को मिलती है, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इसके अंदर अमिताभ बच्चन सर की आवाज हमें इसके अंदर सुनने को मिलेगी। हम कुछ भी बात करेंगे तो हमें अमिताभ बच्चन सर की जो आवाज हमें सुनने को मिलने वाली है एलेक्सा में। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फीचर होने वाला है एलेक्सा के अंदर। और इस एलेक्सा में हम बहुत सारी चीजें ऐसे यूज करते हैं और इमेजिन करो कि हम उसमें अमिताभ बच्चन सर की अगर आवाज सुनेंगे तो कितना इफेक्टफुल हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि एलेक्सा से हम डायरेक्टली बात कर पाते हैं, तो हम डायरेक्टली बात कर पाएंगे हम अमिताभ बच्चन सर से। और यहीं पर हमारा नेक्स्ट अपडेट ये निकल के आता है कि एंड्रॉयड 11 आने वाला है हमारे स्मार्टफोन्स में बहुत ही जल्द। गूगल पिक्सल के जो फोन है, गूगल पिक्सल 2 या इससे ऊपर जो भी डिवाइस है, इन डिवाइसेज के अंदर ऑलरेडी एंड्रॉयड 11 आ चुका है। और इनके अलावा जो और डिवाइसेज हैं, जो स्टॉक एंड्रॉयड वाले डिवाइसेस हैं, उनमें जल्द ही हमें देखने को मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि स्टॉक एंड्रॉइड के अलावा जितने भी डिवाइसेस हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं, उनके अंदर उनकी कंपनी फटाफट उनका एंड्रॉइड 11 जल्दी से जल्दी वो लेके आ जाए। और दोस्तों, बहुत कुछ बेसिक फीचर्स हमारे एंड्रॉइड 11 में हमें देखने को मिलते हैं कि हमारे जो फीचर्स हैं सिर्फ वे इनहेंस हो रहे हैं, वे सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा इंटरफेस जो होगा वो सेम ही रहने वाला है। और जैसे कि फीचर्स की मैं अगर बात करूं तो हमारे नोटिफिकेशंस हैं वो बहुत अलग तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम अच्छे से उन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी नोटिफिकेशन कब कैसे और कहाँ आने वाली है। और मैसेजेस की जो सेटिंग्स होती हैं वो सारी बबल्स में आने वाली हैं, जैसे कि हमारा मैसेंजर एक बबल की तरह आ जाता है गोल गोल, वो सेम उस तरह हम सारे के सारे एप्स को यूज कर पाएंगे। जैसे कि हमारा व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जितने भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है वो सारे बबल्स में आने की पॉसिबिलिटीज उसके अंदर देखने को मिल रही है। और बहुत सारे बेसिक फीचर्स उसके अंदर चेंज होने वाले हैं जिसमें हम हर एक चीज में हम कंट्रोल कर पाएंगे हर एक चीज को अच्छे से। जैसे कि अगर म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो हमें कौन से आउटपुट में हमें म्यूजिक देना है, कि ईयरफोन में देना है या फिर ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर देना है या फिर मोबाइल के स्पीकर में देना है। तो बेसिकली बात ये है कि हम सारी चीजों को अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। बेसिकली कहा जाए तो ये स्मार्ट से भी स्मार्टर होने वाले हमारे डिवाइसेस। और दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये निकल के आती है कि सैमसंग को कंप्लीट ऑर्डर मिल गया है क्वालकॉम की तरफ से कि स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर है 875 वे कंप्लीटली ऑर्डर मिला है सैमसंग को, कि सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो करने वाली है वो सैमसंग करने वाली है। तो यहाँ पर देखने वाला सवाल ये बनता है कि सैमसंग कब तक 875 प्रोसेसर को कंप्लीटली बना पाता है एंड उसका मैन्युफैक्चर करके वापस क्वालकॉम को दे पाता है। और जब ये कंप्लीटली क्वालकॉम को मिलेगी तो क्वालकॉम सारी कंपनीज को स्प्रेड करेगा और तब जाकर हमारे फोन के अंदर हमें ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और लेटेस्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस ये अब तक का लेटेस्ट प्रोसेसर है और बात चल रही है 875 प्रोसेसर बनाने की। तो दोस्तों, देखते हैं कब तक ये कंप्लीट बन जाता है और हम यूज करेंगे हमारे फोन्स में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 प्रोसेसर। और दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वो निकल के आती है वो डायरेक्टली आपके लिए है कि जो भी वन प्लस के यूजर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये न्यूज सिर्फ आपके लिए है कि 10 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक वन प्लस की हर एक स्टोर पे और ऑनलाइन अमेज़न स्टोर पे आपको मिलेगा बढ़िया डिस्काउंट आपके हर एक स्मार्टफोन पे और LEDs पर। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर यहाँ पर निकल के आया है कि इसके अंदर आपको मिल जाएंगे क्रेडिट कार्ड पे और डेबिट कार्ड दोनों के ऊपर इंस्टेंट कैशबैक। और दोस्तों, वन प्लस की ही बात चल रही है तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन और निकल के आती है कि वन प्लस 8T जल्द ही लॉन्च होने वाला है और जिसमें हमें देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर। हाँ दोस्तों, इसके अंदर हमें 865 प्लस देखने को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, वन प्लस 8T आपको 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर मे बी अक्टूबर में हमें यहाँ पर वन प्लस 8T देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में दोस्तों, वन प्लस की वॉच भी पेटेंट हुई है, तो वन प्लस 8T और वन प्लस की वॉच दोनों एक साथ लॉन्च होने वाले हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा वन प्लस का जो नोड जो हमारा फोन आया था उसका
बेस वेरिएंट है 6GB रैम वाला, वो वाला वेरिएंट 21 सितंबर से हमें ऑनलाइन परचेज करने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों जिसको OnePlus Nord चाहिए वो 21 सितंबर को बुक कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये निकल के आ रही है कि हमारे जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं उनके ट्रेन के डब्बे खत्म ही नहीं होते, ऐसे Realme के प्रोडक्ट्स भी खत्म नहीं होते। 21 सितंबर को आने वाला है Narzo 20, 20A एंड 20 Pro। तो दोस्तों तीन तीन फोन एक साथ आने वाले हैं और उसी से एक दिन पहले 20 सितंबर को C17, Realme C17 ग्लोबल लॉन्च होने वाला है। बांग्लादेश में इसके पोस्टर्स भी लग चुके हैं और इसी के अलावा Realme के सिक्योरिटी कैमरास भी हमें 21 तारीख को अनाउंस हो जाएंगे और उसी के साथ हमें एक Realme की वॉच भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों Realme की तरफ से बहुत सारे सामान 20-21 तारीख को हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अच्छे से कमेंट आप जो डालोगे उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगा विद नेम के साथ। और दोस्तों यहाँ पर पेटीएम वाउचर जीतने का प्रोसीजर ये रहेगा कि आपको करना है कमेंट वीडियो के बारे में कि कितने ड्यूरेशन पे मैंने कौन से डिवाइस के बारे में मैंने बात करी है, और वीडियो को करना है लाइक शेयर और इसी का रिजल्ट आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।